बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म के हवाले से है, जिसमें पहला यूनिट आपका जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के ऊपर है। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि प्रोफेशन किसे कहते हैं, और फिर प्रोफेशन के साथ हम प्रोफेशनल की भी बात करेंगे, और एक दो और कॉन्सेप्ट हैं उनको भी देखेंगे कि प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन का, या प्रोफेशन और वोकेशन का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या उनमें फ़र्क है, इन तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे। सो इस यूनिट के या इस सेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम प्रोफेशन और प्रोफेशनल को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनलाइजेशन को देखेंगे कि ये किस चीज़ को कहते हैं, फिर प्रोफेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसी तरह से प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म के करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, और एंड पर हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करेंगे और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो मेजर हमारा आज का जो फोकस होगा वो प्रोफेशनल और प्रोफेशनल के ऊपर होगा, अलॉन्ग विद प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनलाइजेशन, इसके ऊपर भी हम जो है वो बात करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज को हमने देखना है वो प्रोफेशन है। प्रोफेशन किसे कहते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय प्रोफेशन? सो हमारा जो पहला है प्रोफेशन किसे कहते हैं, जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन के अंदर, या जिसको हम उर्दू में पेशा कहते हैं, वो पेशा किसी खास किस्म के स्पेशलाइज्ड नॉलेज का हामिल होता है। उस पेशे के मुतलका हर तरह का इलम उस फर्द के पास होता है जो कि उस पेशे को एज ए प्रोफेशन अख्तियार कर रहा होता है, या जिसने उस पेशे को अख्तियार किया हुआ होता है, या सिंपली हम कहें कि जो पेशा है वो तमाम किस्म के स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज से मुतलका होता है। कैसा स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जिसको वो पोजेस भी करे और पोजेस करने के बाद उसको इस्तेमाल भी कर सके, और फिर जो भी वो इस्तेमाल करेगा वो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के लिए यूजफुल अंदाज के अंदर होगा, तो यूजफुल सोशल फंक्शंस के अंदाज में होगा। सो ऐसा स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ऐसा स्पेशलाइज नॉलेज या ऐसा इलम जो कोई भी फर्द अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए रखता है और फिर उसको मुआशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल भी करता है, ऐसे इलम को हम पेशा कहते हैं, या ऐसे इलम को हम प्रोफेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा मुआशरा जो है वो इन्हीं प्रोफेशंस के या इन्हीं पेशों के मरहूने मिन्नत होता है, इन पर इंसार करता है। अगर प्रोफेशन मुख्तलिफ प्रोफेशंस ना मौजूद हों तो इंसान के लिए माशरे के अंदर एक अच्छा सिविक पर्सन रह के तौर पर रहना मुश्किल हो जाए। सिंपल मैं एक एग्जांपल दूं आपको, हमारे यहाँ जो बार्बर है, जो बाल काटने वाला, आपको अगर खुद से बाल काटने पड़ जाए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, बट एक बार्बर हैविंग ए प्रोफेशन, और जब भी आपको कोई ऐसा इशू होता है बाल कटवाने का तो आप डायरेक्टली, बाल बड़े हो जाते हैं तो आप बार्बर के पास चले जाते हो। सो वो अगर ना होता तो फिर आपका, आपके लिए क्या मसाइल पैदा होते। इवन फार्मर है तो फार्मर अगर ना होता तो कैसे गंदम जो है या चावल जो है या फसलें जो है वो खेतों में काश्त होती और फिर आप लोगों तक जो है वो पहुँचती, जिसके लिए आपको बुनियादी जरूरियात के तौर पर उनको इस्तेमाल करना है। तमाम माशरे जो हैं उनकी बेहतर और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए प्रोफेशन का होना जरूरी है, नहीं होंगे तो माशरे जो हैं वो फिर बेहतर तौर पर फंक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो जब हम देखते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्रोफेशन का, तो वो कहीं ना कहीं सोशल प्रोग्रेस के तौर पर हमें नजर आता है, जो कि उनको किसी भी माशरे के अंदर या सोशल फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत दे देता है। मुआशरों के अंदर जो पेशे हैं ये उनकी जो प्रोग्रेस की वजह से, उनके सोशल प्रोग्रेस की वजह से फिर उनकी अहमियत बढ़ जाती है। सो अगर एक पेशे का की बात करें कि ये अहम है तो दूसरा पेशा कहीं आपको उससे ज्यादा अहम नजर आएगा, तीसरा पेशा उससे कहीं और ज्यादा आपको अहम नजर आएगा। सो पेशे जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सोशल फ्रेमवर्क के अंदर फंक्शनिंग रखते हैं, सोशल फंक्शन रखते हैं, और उसी सोशल फंक्शन की वजह से जो कि उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं
उनकी वजह से सोसाइटी के अंदर उनकी डिमांड भी होती है, और डिमांड किनकी फिर ज्यादा होगी, दो रहेंगे स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जिनके पास उस खास पेशे से मुतलका ज्यादा बेहतर ऑथेंटिक नॉलेज होगा, तो फिर वो बंदा जो है वो उस प्रोफेशन का हामल होगा और फिर हम उसको प्रोफेशनल भी कहेंगे। तो जहां बाकी चीजों की हमने बात की है, चंद एक प्रोफेशन की जब भी हम बात करते हैं तो प्रोफेशन में आपको खास किस्म की ट्रेनिंग दरकार होती है, एक खास किस्म की स्किल्स आपको चाहिए होती है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड विदाउट हैविंग ए गुड स्किल यू कांट बी सेट टू हैविंग ए प्रोफेशन, आप फिर उसके अंदर प्रोफेशनल नहीं होंगे क्योंकि आपने उसको एज ए प्रोफेशन अख्तियार ही नहीं किया होगा। क्यों अख्तियार नहीं किया होगा? क्योंकि आपने उससे मुतलका स्पेशलाइज ट्रेनिंग ही नहीं ली होगी, आपके पास स्पेशलाइज स्किल ही नहीं होगी, तो फिर आप उस प्रोफेशन को भी बहुत अरसे तक कंटिन्यू नहीं करोगे, तो फिर ऐसी सूरत में वो प्रोफेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपकी ऑक्यूपेशन बन जाएगा। हम आगे इसके फर्क को भी देखेंगे। और क्यों फिर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दी जाती है? क्योंकि उसके अंदर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो मौजूद होती है। अगर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ना हो, आला तालीम ना हो, और आला तालीम सिर्फ बुकिश नॉलेज से मुतलका नहीं है, आला तालीम कैन बी रिलेटेड टू द स्किल्स, दैट हाईली स्किलफुल नॉलेज जो है दैट कैन बी अबाउट स्किल्स, दैट कैन बी अबाउट एटीट्यूड एंड बिलीव्स, एंड दैट कैन बी अबाउट नॉलेज आल्सो, तो इन तीनों से मुतलका होगी। और जब हम देखते हैं प्रोफेशन के हवाले से कई इसकी एग्जांपल, हम कहते हैं कि ही लेफ्ट द टीचिंग प्रोफेशन इन 1965 टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, सो टीचिंग इज ए प्रोफेशन, ही लेफ्ट द टीचिंग प्रोफेशन सो टीचिंग इज ए प्रोफेशन। इसी तरह से द रिपोर्ट नोट्स दैट 40% ऑफ लॉयर्स एंटरिंग द प्रोफेशन आर वुमेन, सो एंटरिंग द प्रोफेशन जो लॉयर्स हैं, वकील जो हैं, 40% ख्वातीन जो हैं वो भी वकालत को एज ए प्रोफेशन पेशे के तौर पर अख्तियार करती हैं, सो इसका मतलब है वकालत भी एक प्रोफेशन है। सो टीचिंग की हमने पहले बात की कि टीचिंग ऐसी प्रोफेशन है कि जिसको ज़्यादातर जो है वो अंडरपेड ही रखा जाता है। इसी तरह से ही इज ए डॉक्टर बाई प्रोफेशन, ही इज ए डॉक्टर बाई प्रोफेशन, ही इज ए पुलिसमैन बाई प्रोफेशन, ही इज ए सोल्जर बाई प्रोफेशन। सो प्रोफेशन की जब भी हम बात करेंगे तो इससे मुराद यही होगा कि चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो पुलिसमैन है, उसके पास उस प्रोफेशन से मुतलका स्पेशल ट्रेनिंग भी है और उस प्रोफेशन से मुतलका वो पर्टिकुलर स्किल भी रखता है। जब ये दोनों चीजें उसके पास मौजूद होंगी तो फिर वो प्रोफेशनल कहलाएगा, अदरवाइज फिर वो प्रोफेशनल नहीं कहलाएगा। सो प्रोफेशन क्या है? जब वेबस्टर की डिक्शनरी के अंदर हम देखते हैं तो ये वोकेशन की सूरत में भी लिया जाता है, दैट इज रिक्वायरिंग एडवांस ट्रेनिंग एंड यूजुअली इन्वॉल्विंग मेंटल रेदर देन मैनुअल वर्क एज टीचिंग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, जिनमें से चंद एक ही हमने बात भी की। सो प्रोफेशन हमेशा जो है वो एडवांस ट्रेनिंग रिक्वायर करता है, उसके अंदर हमेशा आला तालीम की जरूरत होती है, और आला तालीम जैसे मैंने अभी पहले बात की कि वो नॉलेज से मुतलका ही नहीं होती, वो स्किल से मुतलका भी हो सकती है, वो बिलीफ और एटीट्यूड से मुतलका भी हो सकती है। सो एडवांस ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर होती है, और इसके अंदर जो है वो मेंटल वर्क ज्यादा होता है रेदर देन द मैनुअल वर्क। टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, लॉ है, इसके अंदर मैनुअल वर्क की बजाय आपकी मेंटल कैपेसिटी ज्यादा इस्तेमाल होती है। टीचर जो है वो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो वो अब मेंटली तौर पर अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा, सो एज टू डॉक्टर भी है या मेडिसिन के अंदर है, सो इंजीनियरिंग के अंदर है, सो जहाँ पे भी प्रोफेशन होगा उसके अंदर जो है वो मेंटल वर्क ज्यादा होगा। सो यूजुअली इन्वॉल्विंग मेंटल रहता है देन मैनुअल वर्क एज टीचिंग, इंजीनियरिंग, स्पेशली मेडिसिन एंड लॉ, इन तमाम के अंदर आपको नजर आएगा जो काम है किसी भी टीचर का। तो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, मैंने जैसे भी पहले भी बात की, ये ऑक्यूपेशन की सूरत में भी हम लेते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन।
दोनों के दरमियान में फर्क है, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के दरमियान में। अब प्रोफेशन क्या होगा और ऑक्यूपेशन क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है ये हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट जो है वो कर सकते हैं। सो जब हम प्रोफेशन को देखते हैं, प्रोफेशन ऐसी ऑक्यूपेशन की सूरत में है और वो ऑक्यूपेशन प्रोफेशन बन जाएगी। ये दो वर्ड जो है ये हम आगे, जैसे मैंने पहले कहा कि इनको हम फर्क तो करेंगे, बट प्रोफेशन आर दोज ऑक्यूपेशन, दैट मीन कि ऑक्यूपेशन पहले है। ऑक्यूपेशन कब प्रोफेशन बन जाता है, जब उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाती हैं। और वो करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, वो एक्सपर्टीज है, वो ऑटोनॉमी है, वो कमिटमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये चार मेजर करेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाती हैं तो वो प्रोफेशन बन जाता है, और अगर ये चारों करेक्टरिस्टिक्स नहीं आती तो वो प्रोफेशन नहीं बनता, वो ऑक्यूपेशन हो जाता। उम्मीद है कि आप इस बात को भी समझे होंगे, ये जो मैंने भी बात आपके सामने की। सो प्रोफेशन जो है वो ऐसी ऑक्यूपेशन हैं जो कि कम्बिनेशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स को पोजेस करती हैं। वो कम्बिनेशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, दोज आर कंसीडर टू बी दी एक्सपर्टीज इन दैट एरिया। ऑटोनॉमी उसके खुद मुख्तारी की सूरत होती है, कमिटमेंट वो लगन और उसके साथ वो दिली जो यगानगत के साथ वो उसके साथ कमिटेड होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एहसास जुम्मेदारी होती है। ये चार अगर करैक्टरिस्टिक्स का कम्बिनेशन किसी भी फर्द के अंदर आ जाता है तो उसने जो पेशा अख्तियार किया हुआ होता है उसको प्रोफेशन कहेंगे, और अगर नहीं है तो प्रोफेशन नहीं, उसका ऑक्यूपेशन है। सो प्रोफेशन जो है उसको हम ऑक्यूपेशन की सूरत में लेते हैं, बट बेस किस पर करता है, वो स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल स्टडी के ऊपर करता है, वो ट्रेनिंग के ऊपर करता है, और उसका पर्पस जो होता है वो सोसाइटी के लिए स्किल सर्विस फ्राहम करना है विद एथिकल कंपोनेंट्स एंड अदर्स। अपनी जुम्मेदारी को, एहसास जुम्मेदारी को, अपनी अखलाकी जुम्मेदारी को सामने रखते हुए अपनी जो स्किल सर्विसेज हैं उनको पेश करना अपनी सोसाइटी के लिए, और पेश किस तरह से करना है उसके लिए उस पहले से कुछ ट्रेनिंग हासिल करना ज़रूरी है। अगर उसके पास ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो फिर प्रोफेशनल भी नहीं कहलाएगा। सो प्रोफेशन क्या है, एन ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल स्टडी एंड ट्रेनिंग, द पर्पस ऑफ व्हिच इज टू सप्लाई स्किल सर्विस विद एथिकल कंपोनेंट्स एंड अदर्स। अगर नहीं है तो फिर वो प्रोफेशन नहीं रहेगा उसका, ठीक है। सो प्रोफेशन की जब हम करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जैसे मैंने पहले बयान किया प्रोफेशन की कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं या कब वो प्रोफेशन कहलाता है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो प्रोफेशन इन्फ्लुएंस होता है, तो उसमें चार चीजें जो अभी आपके सामने यहाँ है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के साथ इकोनॉमिक आउटकम है, और प्रोफेशनल एथिक्स हैं। ये चार ऐसी मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई और आप उसको बेहतर तौर पर सर अंजाम नहीं देते तो फिर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इज दैट यू आर सेट टू बी नॉट हैविंग ए गुड प्रोफेशन और प्रोफेशनल स्किल्स। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, किसी भी प्रोफेशन से मुतल्लिका टीचर है तो टीचर की पर्सनैलिटी उसको देखते हुए ही हमें नजर आनी चाहिए कि ये इज ए टीचर। ऐसा ना हो कि टीचर बाई प्रोफेशन वो कहे जी मैं टीचर हूँ लेकिन पर्सनैलिटी से और आउटलुक से वो आपको मॉडल नज़र आ रहा हो। सो हमें टीचर से मॉडलिंग नहीं करवानी, हमें टीचर से टीचिंग करवानी, और उसके लिए फिर बेहतर यही है कि टीचर जो है उन तमाम स्किल्स के साथ आए जो एक टीचर की रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर होनी चाहिए। इसी तरह से इकोनॉमिक आउटकम है, ये भी टीचर के हवाले से बड़ा अहम समझा जाता है। सो इकोनॉमिक आउटकम है, ज़ाहिर है पैसे का तल्लक जो है वो तो रहेगा, और
इकोनॉमिक आउटकम जितना प्रोफेशन के हवाले से बेहतर हो उतना बेहतर समझा जाता है, बट जब प्रोफेशन की बात हम करते हैं तो वहां पर प्रोफेशन जो है वो इकोनॉमिक आउटकम की तरफ नहीं देखता. व्हाट इज द मॉनेटरी बेनिफिट्स दैट ही या शी कैन हैव फ्रॉम दैट प्रोफेशन, ये प्रोफेशन के अंदर नहीं है. प्रोफेशन के अंदर इंस्टेड ऑफ हैविंग सम टाइप ऑफ इकोनॉमिक आउटकम वो कमिटमेंट उसकी होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो वो पूरा करने की सोच रहा होता है. सो कमिटमेंट ज्यादा हो जाती है, इकोनॉमिक आउटकम इतनी नहीं होती. एंड लास्ट वन इज द प्रोफेशनल एथिक्स, जो है प्रोफेशनल एथिक्स भी शामिल होते हैं. सो ये तमाम चीजें जो है ये प्रोफेशन के अंदर मौजूद है. ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज हैं जो कि किसी भी प्रोफेशनल स्टेटस को कायम करती हैं, या किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर जब ये वैल्यूज आ जाती हैं, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली, पर्सनैलिटी वाली, इकोनॉमिक आउटकम वाली, प्रोफेशनल एथिक्स वाली, तो फिर ऐसी ऑक्यूपेशन जो है उसका स्टेटस कहीं ना कहीं प्रोफेशनल की तरफ चला जाता है, या प्रोफेशन की तरफ चला जाता है. सो दीज वैल्यूज गाइडेड द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन. किसी भी ऑक्यूपेशन को जब आप कहते हैं कि किस तरह से वो बेहतर तौर पर होगा और ऑक्यूपेशन जो है वो किस तरह से प्रोफेशन के अंदर जाएगा, उसके लिए फिर इन चारों करेक्टरिस्टिक्स का कहीं ना कहीं मौजूद होना जरूरी है. प्रोफेशन जो है इन्फ्लुएंस होता है, और उसके इन्फ्लुएंस होने में कौन सी अहम जो चीज़ें हैं उसमें, जो पर्सनैलिटी है उसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें पर्सनैलिटी है, उसमें इकोनॉमिक आउटकम है, उसमें प्रोफेशनल एथिक्स हैं, जिनकी वजह से ये इन्फ्लुएंस होती है. और इसको फिर हम इसी वजह से कहते हैं कि दैट इज प्रोफेशनल जो है, इनकी वैल्यू जो है गाइडेड द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन. ये स्लाइड मैंने पहले आपसे डिस्कस जो है वो कर ली. तो इसे नेक्स्ट पे जब हम देखते हैं प्रोफेशन किसे कहते हैं. ठीक है, सो प्रोफेशन बेसिकली इंटेलेक्चुअल होता है. ये बात भी मैंने पहले आपसे डिस्कस की, ये इंटेलेक्चुअल होता है. इसी तरह से बॉडी ऑफ नॉलेज इसके अंदर होता है. अगर बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो प्रोफेशन नहीं बन पाएगा. इसी तरह से प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल है. कैन बी टॉट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन. जितनी भी प्रोफेशंस हैं या प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वो प्रोफेशनल एजुकेशन के जरिए से ही दी जा सकती है. अगर हम टीचिंग कहते हैं कि टीचिंग इज ए प्रोफेशन, तो इसके लिए फिर प्रोफेशनल एजुकेशन रिक्वायर है. आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन हासिल नहीं करते, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ आप प्रोफेशनल एजुकेशन भी हासिल करते हो. और उसमें चंद ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं. फिर स्ट्रॉन्ग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर है. अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होगा, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर, और वो प्रैक्टिशनर होगा who are motivated by altruism. Altruism क्या? Altruism एक जो concept है कि जिसमें the professional having the desire to help others. जैसे मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर बात की कि वो economic outcome जो है उसको ज्यादा focus नहीं होगा, economic outcome से ज्यादा desire to help others जो है ये उसके सामने ज्यादा होगा. So profession जो है ये is basically intellectual होता है. स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ नॉलेज इसमें मौजूद होता है. प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल होगा. फिर प्रोफेशनल एजुकेशन के जरिए से हासिल कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर्स हैं. फिर प्रैक्टिशनर हु आर मोटिवेटेड बाय ऑल्ट्रिज्म हैविंग द डिजायर टू हेल्प अदर्स. ये तमाम चीज़ें किसी भी प्रोफेशनल के अंदर मौजूद होंगी. फिर इसी के जब हम मुकाबला ऑक्यूपेशन से करते हैं, सो ऑक्यूपेशन इससे डिफर करता है. किस हवाले से? प्रोफेशन के लिए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है. अगर आप टीचर बन रहे हो तो आप देख लें, आप सारे अगर बीएड 1.5 वाले हो तो एमए के बाद आपको 1.5 ईयर लगाना पड़ रहा है. अगर कोई बीए के बाद कर रहा है तो उसको 2.5, उसको 5 सेमेस्टर जो है वो करने पड़ रहे हैं बीएड के लिए. अगर कोई एफए के बाद करना चाह रहा है तो उसको 8 सेमेस्टर करने पड़ रहे हैं. सो एफए के बाद 8 सेमेस्टर हैं, बीए के बाद 5 सेमेस्टर हैं, एमए के बाद 3 सेमेस्टर हैं.
एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ नॉलेज आपको फ्रॉम किया जाता है और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है। वहीं पर आपको पेशेंट जो है उसकी ट्रेनिंग जो है वो ऑन जॉब होती है और वेरी ड्यूरेशन की होती है उसका, वो एक हफ्ते की हो सकती है, वो दो हफ्ते की हो सकती है, वो एक माह की हो सकती है, वो मंथ्स और डेज में होती है, वो कभी ईयर्स में नहीं हुई। इसी तरह से वैल्यूज, बिलीव्स और एथिक्स जो है वो उसके कोई प्रोमिनेंट फीचर नहीं है ऑक्यूपेशन के, जबकि यही चीज जो है वैल्यूज, बिलीव्स और एथिक्स जो है ये किसी भी प्रोफेशनल के मेन कंपोनेंट है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्यों कि मैंने उस पेशे को अख्तियार ही उस बिलीफ के साथ करना है कि मैंने अपनी पूरा जिम्मेदारी के साथ इसको अदा करना है। इसी तरह से कमिटमेंट जो है ऑक्यूपेशन के अंदर रिक्वायर नहीं होती। सो एज टू वहां पर जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन में सबसे अहम चीज ही कमिटमेंट है। सो प्रोफेशन के अंदर कमिटमेंट है, ऑक्यूपेशन के अंदर कमिटमेंट और आइडेंटिफिकेशन जो है वो वेरीज करती है। वो कहीं तो बंदा जो है वो बड़ा कमिटेड नजर आता है और दूसरे लम्हे में आपको वही कमिटेड बंदा जो है वो सारा काम छोड़ के बैठा हुआ मिलेगा। फिर ऑक्यूपेशन, पीपल ऑफन चेंज जॉब, ऑक्यूपेशन के अंदर जो है जॉब जो है वो चेंज होती रहती है, कभी भी वो एक जॉब के साथ स्टेक होके नहीं रहा। जो बंदा ऑक्यूपेशन है वो कहे जी आज वो एक महकमे में है, कल दूसरे महकमे में, परसों तीसरे महकमे में। ऐसी सूरत में जब आप अपने पेशे को डे बाई डे चेंज करते रहते हैं तो वो फिर आप प्रोफेशनल नहीं कहलाते, या ना ही वो आपका प्रोफेशन होता है। डेट मीन कि यू हैव टेकन दैट जॉब एज एन ऑक्यूपेशन, आप उसको एज ए ऑक्यूपेशन तो अख्तियार किया हुआ है, एज ए प्रोफेशन अख्तियार नहीं किया गया। और फिर ऑक्यूपेशन के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वो एम्प्लॉयर के ऊपर होती है। अकाउंटेबिलिटी हिसाब जो है वो एम्प्लॉयर जिसने नौकरी दी है वो हिसाब करता है, बट जब प्रोफेशन आ जाएगा तो प्रोफेशन के अंदर हिसाब जो है वो बंदा खुद अपना करता है। क्यों कि जब उसने उसको एज ए प्रोफेशन अख्तियार कर लिया तो फिर वो अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं, तमाम तर अपनी कमिटमेंट्स हैं, तमाम तर अपनी जो एनर्जीज हैं वो उसी पेशे के लिए वो मुख्तस करता है, और जहाँ पे भी उसे कमी और कोताही होती है तो वो खुद से अपनी जो रिफ्लेक्शन करता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी करता है, अपना हिसाब करता है और फिर उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है। सो ये हमने ऑक्यूपेशन का देखा, और यहाँ इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है, प्रोफेशन की जो एजुकेशन है हम अक्सर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं, जबकि ऑक्यूपेशन की ऑन जॉब ट्रेनिंग की सूरत में हासिल की जाती है। फिर प्रोफेशन के लिए जो एजुकेशन है ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ये थोड़े से लंबे अरसे के लिए होती है, जबकि ऑक्यूपेशन की लेंथ वेरीज करती है। वो मैंने बताया कि वो दो दिन की भी हो सकती है, एक वीक की भी हो सकती है, एक हफ्ते की भी हो सकती है, एक माह की भी हो सकती है। इसी तरह से प्रोफेशन जो है वो मेंटल क्रिएटिविटी है, जबकि ऑक्यूपेशन जो है वो लार्जली मैनुअल वर्क की सूरत में होता है। हमने पहले भी बात की कि ये प्रोफेशन जो है ये मेंटल क्रिएटिविटी है, ये मेंटल वर्क जो है वो इन्वॉल्व करता रहता है कि मैनुअल वर्क इसके अंदर हो। फिर प्रोफेशन के अंदर डिसीजन जो है वो साइंस या थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट के ऊपर बेस करते हैं, जबकि ऑक्यूपेशन के अंदर जो डिसीजन है वो गाइडेड होते हैं। ऑक्यूपेशन के अंदर गाइडेड किस हवाले से होंगे, वहां पे एम्प्लॉयर आपको डिसीजन देगा और उन डिसीजन के ऊपर या एम्प्लॉयर के डिसीजन को ही आपने फॉलो करना है, जबकि प्रोफेशन के अंदर आपके जो डिसीजन है वो साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस करते हैं, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट के ऊपर बेस करते हुए फिर आप खुद से बेहतर डिसीजन की तरफ जो है वो जाते हो। इसी तरह से वैल्यूज, बिलीव्स और एथिक्स इंटीग्रल पार्ट, ये पहले भी हमने बात की कि वैल्यूज, बिलीव्स और एथिक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, वेयर एज जो ऑक्यूपेशन के अंदर वैल्यूज और एथिक्स जो है वो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। तो प्रोफेशन के अंदर जो चीजें हैं वो ऑक्यूपेशन के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है तो कमिटमेंट में वेरी ऑटोनोमस होता है प्रोफेशन, ऑटोनोमस ऑटोनोमी है जो प्रोफेशन, प्रोफेशन है उसमें बंदे को खुद मुख्तारी है, वेयर एज ऑक्यूपेशन सुपरवाइज्ड अंदाज में होती है, जो एम्प्लॉयर है वो उसको सुपरवाइज कर रहा होता है। प्रोफेशन में बड़ा मुश्किल होता है कि कोई अपने उस प्रोफेशन को छोड़ के किसी और तरफ जाए, वेयर एज
जो ऑक्यूपेशन है इसमें अक्सर लोग अपनी जॉब को चेंज करते रहते हैं। कमिटमेंट जो है प्रोफेशन के अंदर, कमिटमेंट जो है वो ग्रेटर देन रिवार्ड है, कमिटमेंट ग्रेटर देन रिवार्ड। वेयर एज ऑक्यूपेशन जो होगा, ऑक्यूपेशन में जो पर्सन है वो हमेशा रिवार्ड से मोटिवेटेड होता है, उसको जितना रिवार्ड दिया जाएगा उतना वो मोटिवेट होगा, रिवार्ड नहीं दिया जाएगा तो वो मोटिवेट नहीं होगा। सो मोटिवेशन जो है वो रिवार्ड से आती है, जबकि प्रोफेशन के अंदर जो है वो कमिटमेंट है, वहाँ रिवार्ड नहीं है। और लास्ट जो बात है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है जो प्रोफेशन के अंदर, वेर एज एम्प्लॉयर के अंदर जो एम्प्लॉयर इज प्राइमरली अकाउंटेबल, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी करता है। सो ये दोनों के दरम्यान में फर्क जो अभी आपके सामने मैंने वाजे किया। अभी हम प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन क्या है। जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रांग इंटेलेक्चुअल स्किल्स, हम पहले बात कर चुके, इसी तरह से एसेंशियल सर्विस फ्राहम करते हैं, फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव और स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो है प्रोफेशन के लिए रिक्वायर होती है, अटानमी होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये वो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पहले देखी हैं जब हमने प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन का आपस में कंपैरिजन जो है वो देखा है। सो अटानमी एंड डिसीजन मेकिंग है, फिर सर्विस टू इट्स क्लाइंट, इसके ऊपर एम्फसिस है, आइडेंटिफाइज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, देन अज्यूम्स इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस एंड डिसीजंस। यहाँ पर प्रोफेशन के अंदर जो एक्शंस और डिसीजंस हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोफेशन के या प्रोफेशनल के ऊपर आती है, उस इंडिविजुअल के ऊपर आती है। जबकि ऑक्यूपेशन के अंदर ये तमाम जो एक्शंस और डिसीजंस हैं ये एम्प्लॉय की तरफ से लिए गए होते हैं, एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ उनकी एग्जीक्यूशन करता है, जबकि प्रोफेशन के अंदर जो है वो डिसीजन भी उस इंडिविजुअल के अपने होते हैं और एग्जीक्यूशन भी अपनी होती है। और इसी वजह से फिर प्रोफेशन जो है वो सेल्फ गवर्नेंस के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां उसने खुद से अदा करनी है, सर अंजाम देनी है, इस वजह से वो सेल्फ गवर्न्ड होगा। फिर क्राइटेरिया कौन सा है, अकॉर्डिंग टू ब्रोहन ने ये क्राइटेरिया दिया प्रोफेशन के हवाले से कि सिविल होता है, एथिकल है, ऑनेस्ट है, दी बेस्ट है, कंसिस्टेंट है, अकाउंटेबल है, कोलैबोरेटिव है, फॉरगिविंग है, करंट है, इन्वॉल्व्ड है, एक मॉडल है और एक कम्युनिकेटर है। जब आप प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं ये करेक्टरिस्टिक्स की सूरत में या उसके क्राइटेरिया के सूरत में भी है कि अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो फिर ऐसे जो भी पेशा होगा, ऐसे जो भी जिम्मेदारी होगी, उस जिम्मेदारी को हम प्रोफेशन के अंदर जो है वो शामिल करेंगे। जो भी काम सर अंजाम दिया जा रहा होगा वो किसी ना किसी खास प्रोफेशन से मुतलका होगा, कि जिसमें जो फर्द है वो एक सिविल अंदाज में एथिकली ऑनेस्ट दी बेस्ट कंसिस्टेंट और अकाउंटेबल होते हुए, कोलैबोरेटिव अंदाज में फॉरगिविंग करते हुए, करंट मामला को देखते हुए, खुद को उसमें अपने आप को शामिल करते हुए, एक मॉडल के तौर पर, एक अच्छा कम्युनिकेटर फर्द के तौर पर पेश करता है, तो ऐसा जो पेशा होगा, ऐसी जो जिम्मेदारी होगी वो प्रोफेशन के जुमे में आएगी। फिर ये सारी चीजें हमने प्रोफेशन की देखी, प्रोफेशनल किसे कहते हैं। सो प्रोफेशनल वो फर्द है जिसके अंदर ये तमाम की तमाम करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। सो ये मेंबर है, मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशन आर एनी पर्सन, कोई भी फर्द जो है ये किसी भी प्रोफेशन से जिसका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशन है, या कोई भी फर्द जो है जो किसी भी स्पेशलाइज्ड किस्म की प्रोफेशनल एक्टिविटी के जरिए से अपनी अर्निंग कमा रहा होता है या अर्न कर रहा होता है। कोई भी फर्द जो किसी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एक्टिविटी के जरिए से किसी खास किस्म की पेशा वाराना सरगर्मी के जरिए से जो अपनी रोजमर्रा की जो मामलात हैं वो सर अंजाम दे रहा होता है, रोजमर्रा की जो अर्निंग है
वो हासिल कर रहा होता है, तो ऐसे फर्द को हम प्रोफेशनल कहते हैं, जो और वो किसी ना किसी प्रोफेशन का एक एक्टिव मेंबर होगा। तो किसी भी प्रोफेशन का एक्टिव मेंबर होना या कोई भी ऐसा फर्द जो बड़ी खास किस्म की पेशावराना सरगर्मी के जरिए से अपने लिए जो माली मामलात हैं वो कमा रहा है या अपने लिए अर्निंग जो है वो हासिल कर रहा है, ऐसे फर्द को हम प्रोफेशनल कहते हैं। किस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है कि उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, फिर कमिटमेंट टू कंटिन्यू स्टडी होती है और सर्विस टू पब्लिक है। ये चार चीजें जो है ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग आएंगी किसी भी प्रोफेशनल की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, हाई स्टैंडर्ड, कंटिन्यूड स्टडी और सर्विस टू पब्लिक। ये चीजें हम पहले प्रोफेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं इनको देख चुके हैं। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड सोशलिटी है, एटीट्यूड एंड प्रोफेशनल बिहेवियर है, सोशल फंक्शंस हैं, डिजायर टू बी प्रोफेशनल है। ये चार चीजें प्रोफेशनल की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएंगी कि उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो चाहिए होगा, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज का हामिल होगा। कैसा स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जो सोसाइटी के या माशरे के फायदे के लिए भी हो, फिर उसके जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, उसके जो एटीट्यूड हैं वो बड़े वेल डिफाइंड किस्म के हों, सोशल सेंक्शन जो है कुछ ना कुछ मुआशरे की तरफ से उसके ऊपर कुछ कदगन होंगी, कुछ ना कुछ सेंक्शन होंगी। अगर पुलिस वाला है तो उसके लिए सोशल सेंक्शन हैं कि उसने मुआशरे के अंदर अमनो अमान बरकरार रखना है। अगर टीचर है तो उसके लिए सोशल सेंक्शन क्या है कि उसने मुआशरे के हर फर्द को तालीम देनी है। तो ये उसके ऊपर मौजूद होंगी और फिर उसके अंदर डिजायर भी हो कि उसने अपने आप को प्रोफेशनल के तौर पर पेश करना है। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो भी होगा दैट शुड बी कंपोज्ड ऑफ नॉलेज विद स्किल, मैनुअल स्किल और इसी तरह से इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ये तमाम चीजें जो है ये मौजूद होंगी। सो जो अप्लाइड बॉडी ऑफ नॉलेज है ये स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, दैट शुड इंक्लूड नॉलेज, दैट शुड इंक्लूड मैनुअल स्किल, दैट शुड इंक्लूड इंटेलेक्चुअल नॉलेज। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल नॉलेज कौन सा होगा, सॉरी, सो इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है दैट्स प्राइमरी सिग्निफिकेंस एज ए क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशन। इंटेलेक्चुअल नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन जो है वो राइट टाइम पर डिसीजन लेना है, इसका तल्लुक कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल नॉलेज के साथ हो जाता है। और फिर जो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और सोशल एक्टिविटी हो उसका तल्लुक कहीं ना कहीं एथिक्स के साथ भी हो, अखलाकियात से बाहर नहीं जा पाना, क्योंकि जो भी काम करना है वो आपको सोशल यूटिलिटी के लिए करना है। सो ऐसा काम कि जो मुआशरे के लिए फायदामंद हो। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और सोशल यूटिलिटी जो है वो उस मुआशरे की अखलाकियात से मुतलका ही होनी चाहिए। फिर एटीट्यूड और प्रोफेशनल बिहेवियर जब हम देखते हैं, ये बड़ा बेसिक कंपोनेंट होता है जो एटीट्यूड और प्रोफेशनल बिहेवियर है, इसका तल्लक जो है ये किसी भी प्रोफेशनल के साथ है। और प्रोफेशनल जब भी कोई करेगा वो अनसेल्फिश अंदाज में करेगा ताकि दूसरे अफराद की जो वेलफेयर के लिए अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सके। तो प्रोफेशनल फर्द हम किसे कहेंगे, इट हैज बिन सेड डज नॉट वर्क इन ऑर्डर टू बी पेड। जो प्रोफेशनल मैन है, जो प्रोफेशनल फर्द है, वो इस वजह से काम नहीं करता कि उसको पैसे मिलेंगे, डज नॉट वर्क इन ऑर्डर टू बी पेड, वो इसलिए काम नहीं करता कि उसको पैसे दिए जाएंगे, ही इज पेड इन ऑर्डर दैट ही मे वर्क। सो एवरी डिसीजन ही मेक्स इन द कोर्स ऑफ हिज कैरियर इज बेस्ड ऑन हिज सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, नॉट ऑन हिज एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज प्रॉफिटेबल। सही क्या है मेरे लिए, सही क्या है, मैं इस माशरे के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, ये प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर आएगा। ये नहीं आएगा कि मैं इस माशरे के लिए करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। इसमें प्रोफेशनल जो है उसका एटीट्यूड और प्रोफेशनल बिहेवियर इस तरह से डेवलप होता है कि वो अपने फायदे के लिए नहीं सोचता बल्कि अपनी सोसाइटी के फायदे के लिए सोचता है और अनसेल्फिश कंसर्न रखता है
अनसेल्फिश कंसर्न के जरिए से वो सोचता है कि मैं दूसरों की किस तरह से वेलफेयर कर सकता हूँ। सो एवरी डिसीजन विच इज मेड बाय टेक प्रोफेशनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैरियर इज बेस्ड ऑन हिज सेंस ऑफ व्हाट इज राइट। उसका पहला और बुनियादी असूल क्या है कि सही क्या है, मुझे सही करना है, ना कि इस चीज पर बेस कर रहा होता है कि व्हाट इज प्रॉफिटेबल। दैट्स व्हाई प्रोफेशनल के बारे में कहा जाता है कि डज नॉट वर्क इन ऑर्डर टू बी पेड, ही इज पेड इन ऑर्डर ही मे वर्क। वो काम जो करता है, काम करने की वजह से उसको पैसे नहीं दिए जाते, उसको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके या करे। तो ये प्रोफेशनल का एटीट्यूड, प्रोफेशनल बिहेवियर है। फिर सोशल सैंक्शंस हैं। सोशल सैंक्शंस एक्चुअली वो रिजल्टेंट इफेक्ट है कि जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड बिहेवियर की वजह से हमारे सामने आता है। अगर मैंने टीचिंग को एज ए प्रोफेशन अख्तियार किया तो मुझे फिर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से एक्सक्लूसिव राइट्स मिले कि मैं किसी भी इदारे में जाके, जो भी इदारा मुझे उन्होंने डेजिग्नेट किया, उस इदारे में जाके मैं अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकूँ। तो ये जो सोशल सैंक्शंस होती हैं, दैट इज द ग्रांटिंग ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ प्रैक्टिस थ्रू द लाइसेंसिंग पावर ऑफ द स्टेट। जो आपको ऑर्डर दिए जाते हैं आफ्टर हैविंग सम टाइप ऑफ सिलेक्शन, तो उसके बाद जो ज्वाइनिंग ऑर्डर दिए जाते हैं, सो ज्वाइनिंग ऑर्डर के अंदर वो इंक्लूसिव राइट्स आपको ग्रांट किए जाते हैं कि आप सोसाइटी के अंदर जाके अपने उस प्रोफेशन से मुतल्लिका जो प्रैक्टिस है वो सर अंजाम दे सकें। ये तो फिर आगे है कि सोसाइटी फिर कहीं ना कहीं उस प्रोफेशनल को पावर भी देती है और इनकम के हवाले से भी उसकी मदद होती है, बट दैट इज नॉट व्हाट एक्चुअली प्रोफेशनल रिक्वायर्ड। ये फिर सोसाइटी उसको रिवार्ड करती है, ना कि प्रोफेशनल की डिमांड होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर प्रोफेशनल बिहेवियर इस तरह से डेवलप हो जाता है कि प्रोफेशनल की डिमांड नहीं है कि ही इज गिवन सम इनकम और गिवन सम पावर, इट इज व्हाट इज सोसाइटी रिवार्ड टू द प्रोफेशनल कि उसमें वो प्रोफेशनल को इनकम और रिवार्ड जो है, ये दोनों चीजें जो है वो फिर दी जाती है। एंड डिजायर टू बी प्रोफेशनल, ही वांट्स टू हैव मोर एंड मोर एजुकेशन अबाउट दैट प्रोफेशन। सो डिजायर टू सर्व भी आ सकता है, डिजायर टू हैव अ गुड एजुकेशन भी हो सकता है। सो डिजायर टू सर्व ए हाईली यूजफुल फंक्शन इन सोसाइटी, उसका ख्वाहिश होती है कि मैं सोसाइटी के लिए एक अच्छे फर्द के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करूं, और यही सबसे बड़ा स्टिमुलाई है, यही सबसे बड़ा मीज है जो किसी भी फर्द के प्रोफेशनल बिहेवियर को बनाता है कि उसका दिल करता है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक अच्छे सर्विसमैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सर अंजाम दे सकूँ। ये उसकी ख्वाहिश होती है, उसकी डिज़ायर होती है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो इतनी मानी नहीं रखती, बाकी चीज़ों का इतना इनकम जो है वो उसके लिए कोई मानी नहीं रखती। सो इनकम मस्ट बी सफिशेंटली हाई सो डेट द गेन फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग एन इंडिविजुअल पेशेंट बिकम्स एन इनसाइटिंग इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये बात अगर हम जनरल अंदाज में देखें तो हम कहते हैं कि फिर प्रोफेशनल की इनकम इतनी हमें चाहिए कि हम उसकी इतनी रखें कि वो कहीं पर भी किसी भी फर्द को की तरफ वो देखे नहीं। सो मस्ट बी सफिशेंटली हाई सो डेट द गेन फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग एन इंडिविजुअल, किसी भी फर्द को वो एक्सप्लॉइट ना कर सके, बिकम एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। बट जब हम जनरल बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोफेशन जो है, या प्रोफेशनल के अंदर जब वो करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि जिसमें डिजायर टू लर्न है और एक आर्टिज्म आ जाती है, तो आर्टिज्म की वो ऐसी खूबी है कि जिसमें ये डिजायर टू हेल्प अदर्स नॉट फॉर फुलफिलिंग हिज ओन डिजायर बट टू फुलफिल द डिजायर ऑफ अदर्स बट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अदर्स। वो दूसरों की जरूरियात को सामने ज्यादा रखता है, अपनी डिजायर्स को पसे पुश डाल देता है।
इस वजह से इनकम डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट पार्ट इन दैट प्रोफेशन प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी फर्द की प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फिर इनकम इतना मानी नहीं रखती जितनी डिजायर टू सर्व मानी रखता है। तो जब हम ट्रेड्स को देखते हैं, नॉलेज एंड स्किल है प्रोफेशन के अंदर, कमिटमेंट है, कमिटमेंट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स और नॉलेज की है, सर्विस ओरिएंटेशन है, प्राइड इन प्रोफेशन है, जो भी पेशा उसने अख्तियार किया उसके अंदर उसको फख्र है, उसके अंदर उसको सर्विस देने के हवाले से कोई मसला दरपेश नहीं है, इसी तरह से उसके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत बेहतर है, बहुत जो जिसको हम कहते हैं गर्मजोशी वाला है, देन जो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस वो लेकर आने वाला है, ट्रस्टवर्दीनेस उसके अंदर मौजूद होगी प्रोफेशनल के अंदर, और उसका ज़मीर जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, कॉन्साइंस जो है वो हमेशा उसके अंदर रहेगा, बाज़मीर होगा वो, तो प्रोफेशनल बाज़मीर होगा और ज़मीर हमेशा से उसको कमिटमेंट कमिटेड की तरफ लेकर रखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ रखेगा, प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ उसको रखेगा, वो कभी भी जो है वो गलत तरफ राइट वे की तरफ जाएगा, रॉन्ग वे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों, कि उसका जो ज़मीर है वो हमेशा ज़िंदा और जवेद और उसको राह रास्त पे रखेगा। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी फॉर हिज ओन वर्क है, अपने काम की वो अकाउंटेबिलिटी एहतसाब जो है वो करेगा, एथिकली साउंड डिसीजन मेकर्स है, और इसी तरह से लीडरशिप है। ये 10 बड़ी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी प्रोफेशनल की, अगर इनमें से कुछ भी किसी भी फर्द के अंदर मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये जे जेन्युइन प्रोफेशनल पर्सन। क्यों, अगर किसी के पास नॉलेज और स्किल ऑफ प्रोफेशन है, बट नॉलेज और स्किल के साथ उसके अंदर तुम जो है जहां हम कहेंगे कॉन्साइंस और ट्रस्टवर्दी भी है, तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर प्रोफेशनल होगा। हम कहीं बाज़ जगह पे देखते हैं कि नॉलेज और स्किल तो हैं, बट वो फिर उसकी कॉन्साइंस कहीं ना कहीं सो गई होती है, ये ज़मीर उनका जो है वो सो गया होता है, और फिर वो अपने हिसाब से हर चीज़ की डिमांड जो है वो रखते हैं, बट डिमांड शुड नॉट बी देयर। फिर व्हाट डज इट मीन टू बी प्रोफेशनल, इज इट हाउ यू लुक। प्रोफेशनल की जब मैं बात करता हूँ तो किस तरह से प्रोफेशनल को नजर आना चाहिए, नीट एंड टाइडी, वेयर अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, जैसे मैंने पहले बात की कि टीचर है तो उसको टीचर नजर आना चाहिए, उसको एक्टर नजर नहीं आना चाहिए, टीचर है तो उसको टीचर वाला जो ड्रेस कोड है वो अख्तियार करना है। इज इट हाउ यू एक्ट, नो सेल फोन्स एट वर्क, क्लास में है तो क्लास के अंदर फिर सेल फोन नहीं, क्लास में खड़े हुए और फोन पे फोन आना शुरू हो जाए, ये टीचर की ट्रेड्स के अंदर नहीं है, एक प्रोफेशनल टीचर की ट्रेड के अंदर नहीं है। तो नो सेल फोन एट वर्क, काइंड एंड कंसिडरेट टू स्टूडेंट्स, तमाम के तमाम जो जितने स्टूडेंट्स आपके सामने हैं उनके साथ एक जैसा रवैया अख्तियार करना है, तो हर एक को सुनना भी है और हर एक को जवाब भी देना है। इसी तरह से इज इट व्हाट यू नो, आपको माहिर तालीम भी होना है, आपको अपने जो एरिया के अंदर जो है आपके पास जो है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होनी ज़रूरी है, और ना सिर्फ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए बल्कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी आपकी होनी चाहिए, आपकी कंटिन्यूस लर्निंग भी होती रहनी चाहिए। तो जब हम प्रोफेशनल को देखते हैं तो प्रोफेशनल के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं कि नीट एंड टाइडी होता है, अप्रोप्रिएट लिबास पहनता है, जो भी उस शोबे से मुतलका है उस तरह का लिबास पहनेगा, काम पे जब होगा तो फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, स्टूडेंट से काइंड और कंसिडरेट होगा, इसी तरह से उसके पास जो है वो स्पेशलाइज नॉलेज भी होगा, और फिर कंटिन्यूसली अपने स्पेशलाइज नॉलेज को वो इम्प्रूव भी करता रहेगा और इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो जाता रहेगा। तो ये हमने प्रोफेशनल देखा। नाउ ऑन टू प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म हम किसे कहते हैं, सो डिफरेंट फील्ड में लोग डिफरेंट एंड डिफरेंट फील्ड्स
प्रोफेशन क्या है, दोबारा से हम देख लेते हैं प्रोफेशन को। हमने ऑक्यूपेशन की सूरत में देखा कि जिसका बड़ा कोर एलिमेंट जो है वो काम करना है। काम किस बुनियाद पे करता है, काम उसका होता है हाई लेवल ऑफ मास्टरी के ऊपर। हाई लेवल ऑफ मास्टरी जो वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ, दैट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ नॉलेज। स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ नॉलेज इज द मास्टरी इन दैट सब्जेक्ट। जिसके हाई लेवल ऑफ या स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ नॉलेज या काम बेस्ड ऑन मास्टरी ऑफ ए कम्प्लेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, जो पहले भी हमने बात की। सो इट इज द कंडक्ट aims or qualities that characterize a person in a work settings or profession. किसी भी काम के अंदाज में या जो भी कोई काम सर अंजाम दिया जा रहा होता है, उस काम के अंदर किसी भी फर्द के, कोई भी फर्द जो है वो बड़ा कम्प्लेक्स पेचीदा किस्म का, बड़ा ही आला तालीम याफ्ता होते हुए महारतों के साथ अगर कोई खिदमात सर अंजाम दे रहा है, तो ऐसे काम को हम प्रोफेशन कहेंगे। और फिर प्रोफेशनल कौन है? ए पर्सन, एनी पर्सन, और ए पर्सन के डेट हैविंग ए ग्रेट स्किल और एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी खास फील्ड के अंदर, किसी खास मैदान के अंदर कोई भी फर्द जो अपनी महारतें रखता है, जो अपने तजर्बा रखता है और उस तजर्बे और महारतों को उस फील्ड के अंदर, उस मैदान के अंदर इस्तेमाल करता है, और फिर इस्तेमाल करते हुए अपनी जो महारतें हैं उसका इजहार भी करता है, उसके अंदर वो अपनी कॉम्पिटेंसीज भी शो करता है उस फील्ड के अंदर, तो ऐसे फर्द को हम प्रोफेशनल कहेंगे। कॉम्पिटेंसीज, किसी भी फर्द के अंदर जो है, फर्द की कामयाबी के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको 3C भी मैं कहता हूँ। 3C, 3C कौन सी हैं? कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस एंड करेक्टर, 3 C हैं। किसी भी प्रोफेशनल के अंदर ये तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। 1 इज़ द कॉम्पिटेंस, 2 इज़ कॉन्फिडेंस, 3 करेक्टर। तो कॉम्पिटेंसीज किसी भी फर्द को प्रोफेशनल बनाने में बड़ी अहम है। अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज नहीं है, इसका मतलब है कि ये चीज़ हैविंग ए लैक इन स्किल्स और हैविंग ए स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ नॉलेज, ये उसके अंदर उस तरह से बेहतर तौर पर नहीं है। तो जब नहीं होगा तो फिर वो बेहतर तौर पर परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। सो अश्योर्ड कॉम्पिटेंसीज इन ए फील्ड, फिर इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ नॉलेज भी उसके पास हो, तो वो बेहतर तौर पर अपने आप को प्रोफेशनल जो है वो मनवा सकेगा। प्रोफेशनलिज्म क्या है? प्रोफेशनलिज्म जो है उसके अंदर कुछ ऐसे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स हैं कि जो किसी भी स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को सामने रखते हुए तैयार किए जाते हैं, और इंटरेस्ट अबाव द टीचर सेल्फ इंटरेस्ट। तो टीचर जो है, जब कोई भी एटीट्यूड और बिहेवियर अपने अंदर लेकर आता है और वो एटीट्यूड और बिहेवियर उसको अपनी सेल्फ इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं तलबा की इंटरेस्ट की तरफ ले जाता है, तो ऐसा जो प्रोसेस होगा वो प्रोफेशनलिज्म कहलाएगा। सो ऐसी जो वो अंदाज जो है वो जब जाहिर करेगा, तो वो अंदाज उसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाएगा। So professionalism constituting those attitudes and behaviors that serve to maintain student interest above teacher's self-interest. Teacher के अपने जो interest हैं, उनसे जो तलबा के interest हैं वो ज़्यादा जब अहम हो जाएं, तो ऐसा जो attitude और behavior जो है, जो develop होता है, ये किसी भी फर्द या किसी भी professional के अंदर, वो professionalism कहलाता है। So that is exhibited by one of the professional character, speed or methods of the standing practice or methods of professional as distinguished from an amateur. जब कोई भी फर्द जो आपके सामने कुछ बिहेवियर शो करता है, और उसका बिहेवियर जो है वो, या उसका जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं उसकी इस अंदाज में पेश हो रहे हैं कि वो अपने
फायदे को साइडलाइन करते हुए दूसरे के फायदे के बारे में देख रहा है, दूसरे की जो बेहतरी के लिए वो सोच रहा है, तो ऐसी उसके अंदर जो स्पीड है और मेथड ऑफ स्टैंडिंग प्रैक्टिस जो है और मेथड्स ऑफ प्रोफेशनल जो है, दोज आर सेट टू बी दी प्रोफेशनलिज्म, और वो कहीं ना कहीं आपको किसी एक मैच्योर से जुदा भी कर रहे होंगे। तो जब आप एक मैच्योर से जुदागाना अंदाज में अपने बिहेवियर्स और एटीट्यूड को जाहिर करते हैं और जाहिर करते हुए आप अपने फायदे की बजाय तालिब इल्म के फायदे को ज्यादा प्रोमिनेंस देते हैं, ज्यादा अहमियत देते हैं, तो ऐसी जो आपके अंदर वो जो करेक्टरिस्टिक्स नमाया हो रही होती है, उस करेक्टरिस्टिक्स को हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म जो है वो सेट ऑफ एटीट्यूड आप कह सकते हो या सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन से मुतलका होते हैं, किसी भी खास किस्म की प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से मुतलका जो भी सेट ऑफ एटीट्यूड और बिहेवियर जो है जिनको हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म कहलाते हैं। तो ये उन तमाम एटीट्यूड और बिहेवियर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है कि जो सर्व करते हैं टू मेंटेन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट अबव सेल्फ इंटरेस्ट, जैसे मैंने पहले भी बात की, फिर इसी तरह से डिसिप्लिनिंग वैल्यूज बिलीव्स एंड एटीट्यूड दैट पुट द नीड्स ऑफ अनदर अबव योर पर्सनल नीड्स। प्रोफेशनलिज्म जो है ये ऐसे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स हैं, ऐसे किसी भी फर्द के रवैया है, ऐसे किसी भी फर्द के बिलीव्स हैं, ऐसे किसी भी फर्द के जो ट्रेट्स हैं कि जो किसी भी फर्द के अंदर हमें नज़र आते हैं, और नज़र किस वक्त आते हैं जब वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी पर्सनल नीड्स को छोड़ते हुए तालिब इल्म की नीड्स और डिज़ायर्स को ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं और तालिब इल्म की इंटरेस्ट और नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो बिलीव्स हैं, ऐसी जो वैल्यूज हैं, उनको हम प्रोफेशनलिज्म के अंदर लेंगे। इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे मैंने पहले बात की, आल्ट्रिज्म की पहले भी बात हुई थी, आल्ट्रिज्म में क्या होगा, दैट्स पुटिंग स्टूडेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट फर्स्ट, यू पुट योर ओन डिजायर्स एंड इंटरेस्ट ऑन ए साइड एंड देन जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा अहम हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी है, सासे जिम्मेदारी जो है, सासे जिम्मेदारी है, एहतसाब जो है, खुद का एहतसाब, मुहासबा जिसे हम कहते हैं, सो अकाउंटेबिलिटी टू स्टूडेंट्स एंड टू सोसाइटी एंड टू देयर प्रोफेशन है। वो फर्द जो है वो तालिब इल्मों के सामने जवाबदेह है, वो प्रोफेशनल तालिब इल्मों के सामने जवाबदेह है, वो सोसाइटी के सामने जवाबदेह है, वो अपने प्रोफेशन का जवाबदेह है, क्या मैं अपनी प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर रहा हूँ। इसी तरह से एक्सीलेंस क्या होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ लेकर जाएगा आपको, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस और कमिटमेंट्स को ज़्यादा बड़ा करता जाएगा। सो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती जाती हैं, कमिटमेंट्स ज़्यादा होती जाती हैं, और फिर उसके लिए वो फर्ज जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ चला जाता है, और इसी तरह से कमिटमेंट इन्वॉल्व होती है, ड्यूटी जो है, सो एक्सीलेंस है और ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है, दैट इज द कमिटमेंट टू द सर्विस इन द कम्युनिटी, कमिटमेंट टू सर्व इन द कम्युनिटी, जो आपकी कम्युनिटी है, आपका जो ग्रो है, आपके जो अफराद हैं, आपकी जो सोसाइटी है, उनके साथ जो आपकी कमिटमेंट है, आपने जो उनको सर्व करना है। तो ये चार बड़े एलिमेंट्स हैं प्रोफेशनलिज्म के, जिसमें आल्ट्रिज्म है, अकाउंटेबिलिटी, एक्सीलेंस है और ड्यूटी है। और फिर प्रोफेशनलिज्म की करेक्टरिस्टिक्स को देखें, जिनमें चंद एक हमने पहले भी देखी थी, अपीयरेंस है, अपीयरेंस सबसे बड़ी एक करेक्टरिस्टिक है, जाहरी जो आपकी हालत है, आप तो टीचर होते हुए आपकी जाहरी हालत टीचर वाली ही होनी चाहिए, आपकी जो चाल है, आपका जो अंदाज है, आपका अंदाज बयां, आपका दूसरों के साथ जो बर्ताव है, आपका बिहेवियर, ये सारे के सारा जो है, आपका लिबास जो है, ये प्रोफेशनलिज्म के अंदर ये सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है कि जो अपीयरेंस की सूरत में है। देन कंडक्ट आपका, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आपका दूसरे के साथ बर्ताव किस तरह से है, ये कंडक्ट के अंदर आएगा। रिलायबिलिटी,
आप कितने काबिल एतबार हैं। तो एतबारियत प्रोफेशन से मुतलका बहुत अहम है। अगर आप जो है वो किसी के साथ की गई बात पर आप पूरा नहीं रहते तो फिर प्रोफेशनलिज्म की करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर नहीं डेवलप होंगी। सो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं, कंसिस्टेंसी। अगर हम स्टैटिस्टिक्स में देखें तो कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स आती है। सो रिजल्ट्स इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर डूइंग। सो अगर आप एक दफ़ा कुछ करते हो और दूसरी दफ़ा फिर से वही करते हो, तीसरी दफ़ा भी करते हो और वो तीनों चीज़ें आप ठीक कर रहे हो तो ये लाइबिलिटी है। और अगर आप एक दफ़ा कुछ और तरह से बिहेव करते हो, दूसरी दफ़ा किसी और तरह से, तीसरी दफ़ा किसी और तरह से, सो ये लाइबिलिटी नहीं है। सो कंसिस्टेंसी जो होगी वो लाइबिलिटी के अंदर आएगी। कंपिटेंस मैंने पहले भी आपके सामने बयान किया। सो कंपिटेंस तो बहुत अहम जो करेक्टरिस्टिक्स है। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप बेहतर तौर पर प्रोफेशनल भी नहीं हो सकते। एथिक्स, अखलाकियात, आपके एटीट्यूड, आपकी बिलीव्स, आपके जो दूसरों के साथ जो है वो बर्ताव करना जो है, ये तमाम एथिकल वैल्यूज के अंदर आएगा। फिर मेंटेन योर पॉइज, अपने आप को आपने मजबूत रखना है। अपना जो पोस्चर है, अपना जो स्टाइल है, वो आपने अपने आप को कंट्रोल में, अपने आप को बैलेंस्ड अंदाज में आपने पेश करना। सून एटिकेट मैंने पहले भी कहा कि दैट शुड नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड इन क्लासरूम और व्हेन यू आर एट वर्क। जब आप काम कर रहे हों तो फोन का इस्तेमाल नहीं करना। आजकल हमने इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल कर लिया हुआ है और ये एक लम्हे के लिए भी हमसे दूर हो जाए तो पागल हुए फिरते हैं। इस चीज़ से अपने आप को बचा के रखना है। रिटन करस्पॉन्डेंस जो है, रिटन करस्पॉन्डेंस विद द पेरेंट्स, रिटन करस्पॉन्डेंस विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, रिटन करस्पॉन्डेंस विद योर कलीग्स। आप एक दूसरों के साथ जो है वो रابطہ रखें, करस्पॉन्डेंस के जरिए रखें। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत अहम हैं। क्लासरूम के अंदर भी हमें एज ए टीचर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने क्लास को किस तरह से मेंटेन करना है, सो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल के हवाले से अकाउंटेबिलिटी की बात तो पहले हमने कर दी। सो अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी होना या अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत अहम है। एक प्रोफेशनल के लिए अकाउंटेबिलिटी का हमल होना, क्योंकि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, एहसास जब तक किसी भी फर्द के अंदर रहेगा तो वो बेहतर तौर पर अपनी जिम्मेदारी भी अदा कर पाएगा। सब्जेक्ट और पेडागोजिकल नॉलेज का होना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो अलॉन्ग विद पेडागोजिकल नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज आपके पास हो, जो कि हम आगे भी जा देखेंगे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर पहला स्टैंडर्ड जो है वो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का होना है। और फिर पेडागोजिकल नॉलेज, हाउ टू टीच ज़्यादा हमें पेडागोजिकल नॉलेज का होना कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से किस अंदाज में डिलीवर करना है। जब हम टीचर की बात करते हैं, इसी तरह से अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास पेडागोजिकल नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह का ऑपरेशन किस अंदाज में किस टाइम पर करना है, वो उसके लिए है। तो हर एक का जो पेडागोजिकल नॉलेज है, हाउ टू डू डैट, ये उसके पास जो है वो होना चाहिए। सो ये चंद अहम बुनियादी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी प्रोफेशनल के। तो यहीं तक ये हमारा पहला जो यूनिट था।